अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। वेदिकस इंटरनॅशनल अकॅडमीतर्फे घेण्यात आलेल्या स्टेट लेवल कॉम्पिटिशनच्या अॅबॅकस परीक्षेत 6व्या लेवलमध्ये जामनेर येथील विद्यार्थी शुभम नटवर चव्हाण याने प्रथम क्रमांक पटकावलाय। तसेच वेदिकस गणितामध्ये दुसऱ्या लेवलला द्वितीय क्रमांक मिळवला। या यशाबद्दल श्री गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्टचे श्री श्याम चैतन्यजी महाराज यांनी शुभमसह सर्व उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करून आशीर्वाद दिला। सोबत यावेळी शुभमचे वडील नटवर चव्हाण, राजेश नाईक, दिनेश चव्हाण, प्रवीण जाधव उपस्थित होते। आज मुझे एक सत्कार करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारा शुभम नटवर चव्हाण मिलहोल, जो वैदिक इंटरनेशनल एकेडमी आयोजित स्टेट लेवल कंपटीशन में एबेकस के 6 लेवल में प्रथम और वैदिक गणित के 2nd लेवल में द्वितीय क्रमांक मिलाकर वो पास हुआ है। मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि शुभम जब जन्म लिया था उसका नामकरण मैंने किया है और आज उसका सत्कार करते हुए मुझे गर्व है कि एक खेड़े गांव में रहने वाला बच्चा इतनी अच्छी प्रगति करता है। इस प्रगति के पीछे सरस्वती क्लासेस ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो सरस्वती क्लासेस वालों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और उनके जितने भी टीचर्स है जिन्होंने उसको ये पद पर जाने के लिए, ये सारी एग्जाम में पास होने के लिए जिन जिन ने सपोर्ट किया है उन सब के लिए ताली बजाकर हम सबको अभिनंदन करना चाहिए। उसके बाद इसी के साथ में काफी हमारी बेटियां हैं, कुछ बच्चे हैं, वो भी इसी एग्जाम में पास हुए हैं, उनको भी मैं शुभकामना दूंगा। मित्र हो, ये सबसे बड़ी बात है कि एक गरीब परिवार में से, छोटे से परिवार में से आकर बच्चे इतनी अच्छी उन्नति करता है, इसके लिए उसके माँ बाप का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि मेरा बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा मोबाइल में है या फेसबुक में है या अच्छी पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की भी होती है। क्योंकि जैसे कुम्हार घड़े को अच्छा सा अच्छा सुंदर बनाने में, उसका डिजाइन बनाने में जैसा मेहनत करता है, ऐसे भी आगे उसका मानस ऐसा है कि मैं कॉमर्स करके यूपीएससी करूं, तो आज मैं गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्ट की ओर से उसको एक फास्ट ट्रैक करके मेरे पास में मैथ्स का एक बुक्स है। यहाँ आपने गुरुदेव सेवा आश्रम में एक लाइब्रेरी चलती है चैतन्य अभ्यासिका, तो जो भी बच्चा आए यहाँ पढ़ाई कर सकता है। तो मैं गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्ट की ओर से एक फास्ट ट्रैक मैथ्स करके एक एमपीएससी और टीईटी सीईटी उसमें सारा उसका नॉलेज है, ये बुक्स उसको गिफ्ट दे रहा हूँ। इसी शुभकामनात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और माँ सरस्वती के लिए विशेष प्रार्थना करूंगा कि हमारे जितने भी बच्चे, एक शुभम नहीं, मेरे पास जितने भी मेरा तालुका, सात तालुका के सारे बच्चे मेरे, तो जिनके यहाँ ऐसे बच्चे अच्छा नाम कमाते, अच्छा परसेंटेज आते, तो मेरे तक पहुंचो, मैं हमारे बच्चों का सत्कार करने के लिए कभी भी तैयार हूं और तैयार रहूंगा और हमारे बच्चों को हमेशा के लिए मैं मार्गदर्शन के लिए गुरुदेव सेवा आश्रम कभी भी तैयार है। और एकदम गरीब बच्चा है और उसको पढ़ाई करने में यदि उसको बुक्स की, नोट्स बुक्स की तकलीफ है, नहीं ले पाता है, तो हमारे पास आइए और गुरुदेव सेवा आश्रम फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी जो हमारा टीम कहते हैं, ये मदद करेंगे और बच्चों के भविष्य के लिए हम आगे जरूर बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण पिता करते हैं। इसलिए आज मैं सभी युवकों को एक निवेदन करूंगा कि आप अच्छे संस्कार बनकर, अच्छे संस्कार में जीवन में लेकर आप ऐसे अपना जीवन को बनाओ कि हमारे गाँव, हमारे तालुका, हमारे जिला में हमारा नाम तो हो लेकिन हमारे सर्वों का नाम, हमारे माँ बाप का नाम, हमारे गांव का भी नाम उज्जवल हो। आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं थोड़ी सी भटकती हुई नजर आ रही है, लेकिन
देखिए आज यदि ये बच्चा ऐसा कर सकता है कंपटीशन में उतर कर, यदि अच्छा हमारे सब बच्चे ऐसा अभ्यास में ध्यान यदि देते तो उनको भी अच्छा सा अच्छा मार्क मिलकर वो भी अच्छे से पास हो सकते हैं। आज हम कहीं ना कहीं हमारे बच्चे थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मुझे मार्क्स कम मिले, कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना है अपने को, आज नहीं तो कल तुमको सफलता मिलेगी। हिम्मत हिम्मत एक ऐसी चीज है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मित्र हो, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारा राजू भाई चौहान है, उसके दादाजी लगते हैं, हमारे दिनेश चौहान है, उसके बड़े पिताजी लगते हैं, और नेटवर्क को भी धन्यवाद दूंगा कि वो बच्चे के तरफ इतना अच्छा ध्यान देके बच्चों की पढ़ाई में इतना अच्छा उसको मार्गदर्शन करते हुए उसको लगने वाला जितना खर्चे पूरी ताकत में लगाकर आज बच्चा इतनी अच्छी क्रांति कर रहा है, बच्चा इतनी अच्छी एक प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसके लिए मैं पूरे परिवार को धन्यवाद देते हुए गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट की ओर से मैं शुभम को बहुत सारी शुभकामना दूंगा कि आने वाला फ्यूचर उसका ब्राइट हो। या बातमी तिथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।